चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द मैन इन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू दैट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको समझते हैं कि एक आदमी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पॉइंट ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक लौटने में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लौटता है। तो ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में उसका जो टाइम लगेगा, उस टाइम का रेशियो क्या होगा। तो अभी आप याद कीजिए उस ट्रिप को जो हमने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि यदि कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है और दूसरे जगह से पहले जगह आता है, तो एक जगह से दूसरे जगह अगर वो ए के स्पीड से जाता है 1 किलोमीटर पर आवर या जो भी मान लीजिए, और दूसरे से पहले जगह 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो ए इज टू बी जो होगा, जब टाइम टेकन हमसे पूछा जाएगा कि उसने कितना टाइम लिया, मतलब अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने में और दूसरे जगह से पहले जगह पे आने में यदि स्पीड का रेशियो ए इज टू बी है, तो टाइम, तो रेशियो ऑफ द टाइम, समय का जो रेशियो होगा वो तो जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब 1/a = 1/b होगा, जिसको हम b = a लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड हो जाएगा 4:6। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है, ए से बी पे जाता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, और बी से ए पे आता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द मैन इन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू दैट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो रेशियो ऑफ स्पीड कितना हो गया, 4:6 को हम 2:3 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम जस्ट यहाँ पे हमने बताया है कि अगर रेशियो ऑफ स्पीड ए इज टू बी है तो रेशियो ऑफ टाइम 1/a = 1/b। तो रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, 1/2 = 1/3, जिसको हम लोग 3:2 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है।